हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने ये देखो 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये मैंने पोचू बना रखा है और ये मैंने कैप बनाई है इनके लिए। और इसकी वीडियो पहले से अपलोड है तो इसकी वीडियो पर जो है मेरे पास कमेंट आया था कि मैम 1 नंबर के लिए बनाएं ये वाली ड्रेस, तो आज मैंने 1 नंबर ठाकुर जी के लिए ये वाली ड्रेस बनाई है। तो ये देखिए बहुत प्यारा सा छोटा सा पोचू जो है बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें देखो कॉलर भी बनाया है। यहाँ आप कुछ भी मोती वगैरह स्टोन वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि 2 कलर की मेरी वूल है और ये जो मैंने आउटलाइन किया ये बहुत ही प्यारी लग रही है, तो इस पर कुछ भी लगाने की मुझे नीड नहीं लगी। एंड ये देखिए, ये मैंने छोटी सी बड़ी प्यारी सी कैप बनाई है। ये देखो इस साइज की है, ये इस साइज़ की है, तो मेरी अंगूठे में बिल्कुल फिट आ रही है ये वाली। और इसको बनाना बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एंड इसको भी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। इसकी वीडियो पहले से अपलोड है, नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और ये वाली मैं अब इस वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करना कैसी लगी है, कैसे समझाना कैसा है इसमें, तो आप बताना मेरा समझाने का तरीका भी। और ज़्यादा नहीं तो राधे राधे ज़रूर लिखें कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न मत भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ मैंने 3 प्लाई की वूल ली है, 2 कलर में ये वूल है और 10 नंबर का मैंने क्रोशिया हुक लिया है। ये देखिए 10 नंबर का है, ये शायद अच्छे से ना दिखाई दे वीडियो में, बट ये 10 नंबर का है, 3.25 mm का क्रोशिया हुक है और 3 प्लाई की वूल है। तो चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। यहाँ देखिए, सबसे पहले इस तरह से एक नॉट लगाएंगे हम। ये देखो, ये मैंने नॉट लगाई और अब मुझे यहाँ पे चैन बनानी है। टोटल 15 चैन मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो देखो, 1 मैं बना चुकी हूँ, 2, 3, 4, 5 चैन मैंने ले ली। और एक और बात, यहाँ पे जो हमें चैन लेनी है वो थोड़ी लूज़ लेनी है, टाइट नहीं लेनी है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड ये लास्ट 15 हो गए हैं। तो हमें यहाँ पे 2 चैन और ले लेनी है, 16 एंड 17। तो ये 2 और ऊपर से 3 चैन मैं स्किप करूँगी और 4th में, यानी कि 3 चैन स्किप करके 4th चैन में हम क्रोशिया को एंटर करेंगे। और देखिए, इस तरह से मेरे पास 3 हैं लूप। क्रोशिया में 3 से हम 2 बनाएंगे और 2 से 1 बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दिया है और जो 3 की चैन स्किप की है इसको भी डबल क्रोशिया मानेंगे। तो देखो, मैंने 15 ली थी, फिर 2 और ली थी तो 17 हो गई। और यहाँ मैंने 14 में क्रोशिया हुक डालकर डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 14 में और यहाँ सभी में मैं बनाऊँगी तो ये 14 ये हो जाएंगे और एक ये 3 की चैन। तो हमारे पास टोटल 15 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखो, यहाँ मैंने बना दिया है, अब नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल मेरे पास 15 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हमें पूरी रो बनानी है एक डबल क्रोशिया से, हर चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखो, मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ सभी में। तो चलिए कर लेती हूँ इस तरह से मैं इसको कम्प्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक रो बना ली है और ये मेरे पास 15 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। मैंने आपको बताई चुकी हूँ मैं इस जैसे बने हैं ये 15 डबल क्रोशिया, 17 चैन से बने हैं। तो देखो, नेक्स्ट रो हम बनाएंगे, 1, 2, 3 तीन मैंने डबल चैन बनाई, 3 की चैन बनाई जिसको हम डबल क्रोशिया की हाइट की मान होती है ये, तो डबल क्रोशिया ही मानते हैं इसको। एक और डबल क्रोशिया यहीं पे बनाएंगे जहाँ पे चैन बनाई है उसी में। तो अब देखो, ये 2 हो गए। नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में फिर से, मतलब अब हमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ और मुझे सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो 2 रो की मेरे पास एक स्ट्रिप बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, हर एक चैन में बनाना है। तो 15 डबल क्रोशिया है और 15 के 15 ही हमारे पास रहेंगे, यानी कि हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। तो देखिए, फटाफट से मैं बना लेती हूँ यहाँ पर, सभी में बना रही हूँ। बस फर्स्ट में जो हमने 3 की चैन बनाई थी उसी के साथ हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था। अगर वो डबल क्रोशिया हम नहीं बनाते हैं तो हमारे जो ये क्रोशिया है, चैन जो है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए हमें फर्स्ट टाइम में जो जब चैन बनाते हैं तो उसके साथ एक डबल क्रोशिया बनाना पड़ता है। तो देखिए, मैंने ये बना दिया है और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इक्वल हमारी जो है एक स्ट्रिप बनकर आई है। तो देखो, यहाँ से जो है और वही उसी तरह से यहाँ से है, हमने ये चैन जो है लूज़ बनाई थी इसीलिए ये बिल्कुल सीधी पट्टी बनी हुई है। अगर चैन जो है ना टाइट बनाते तो इसमें झोल आ जाता और ये कुछ इस तरह की हो जाती, देखो इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है ना। इसीलिए ये जो चैन है हमें ये लूज़ बनानी है। तो ये हमारी एक पट्टी बन गई, सेम ऐसी ही मुझे एक और अलग से बनानी है, ठीक है ना। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 एंड ये लास्ट 15। तो ये 15 डबल क्रोशिया मेरे पास हो गया। ऐसे ही मुझे एक और बनानी है, तो यहाँ से मैं इस वूल को कट कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया है और सेम ऐसे ही मैं एक और बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो पट्टी इस तरह से बना ली है एक ही साइज़ की। अब देखो हमें करना क्या है, ये मैंने इस तरह से रखा और ये भी मैं इस तरह से, यहाँ देखिए ये मैंने इस तरह से रखा और ये हमें यहाँ से एक चकोर रूस में ये स्क्वायर पीस में हमें क्या करना है, सिलाई कर देनी है। इधर से, इधर से, इधर और इधर, देखो इस तरह से मैंने रखा है दोनों साइड से वी शेप में, ये इस तरह से, और हमें यहाँ पे सिलाई कर देनी है। और उसके लिए यहाँ देखो मैंने नीडल में डाल के रखी है वूल। और चलो तो मैं कर देती हूँ सिलाई। यहाँ से देखो इस तरह से बारीक बारीक हमें उठाना है और कर देना है। ये मैं यहाँ दबा लूँगी, आप नोट लगाना चाहो तो नोट भी लगा सकते हो, बट इसमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है नोट लगाने की। ये देखिए, अब मैं यहाँ से इसको इस तरह से, छोटा सा है तो ये देखो दो तीन टाके में ही ये एक साइड से सिल गया। इस तरह से इसको इक्वल रख के और यहाँ पे हमें सिलाई कर देनी है। बस अब इसको यहाँ से कट कर देंगे और देखो ये मैंने सिल दिया यहाँ पे इस तरह से। और हमें ये इधर से भी ऐसे, ये देखो इधर से भी हमें इसी शेप में सिल देना है। तो ये देखिए ये हमारी जो है नेक राउंड आ जाएगी ऐसे। देखो एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ये देखो यह ऐसे है ना, और इसको ऐसे किया और यहाँ पे ऐसे, ये देखो मैंने ऐसे रखा और ये अब इधर से भी हमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही सिल देना है जैसे हमने ये वाला सिला है, जैसे हमने उसको स्टिच किया है वैसे ही हमें ये वाला स्टिच करना है। तो देखो वूल पहले से ही है, ऐसे डाला, इसको यहाँ दबा लेंगे। बिल्कुल आराम से ये सील देंगे हम, आराम से सील जाती है। बस अब इसको हम नोट लगा के कट कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन गया है और ये जो है ये हमारे नेक राउंड बन गई है। अब यहाँ पे हम कॉलर बनाएंगे और कॉलर मैं ये वाला कलर लगाऊंगी इसमें कॉलर बनाने के लिए। तो देखो बीच में हमें देखने हैं हमारे पास कितने डबल क्रोशिया है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इधर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इसका 6 जो है वो नीचे दबा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस तरह से रखना है और सभी में हमें यहाँ पर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और फर्स्ट वाले में हमें दो बार बनाना है, ठीक है ना। तो देखो किधर से भी जहाँ से भी आपका हाथ बैठता है उधर से आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ से देखो मैं लगाती हूँ, ये मैंने जॉइंट किया और 1, 2, 3, 3 मैंने चैन बनाई और एक ये 4 चैन बनाई और देखो दो बार मैंने लिया लूप यहाँ पे और फिर इसी में से निकाल के ये बनाया। एक बार हम निकालेंगे दो को, फिर हम इन दो को निकालेंगे और फिर नेक्स्ट दो को निकालेंगे। अब नेक्स्ट में ऐसे ही बनाएंगे, ये देखो दो बार लिया मैंने लूप। अब हमारे क्रोशिया में ना 4 है, जब डबल क्रोशिया बनाते हैं तो 3 होते हैं, है ना। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं तो ये दो बार लिया हमने और दो निकाले, फिर दो निकाले और फिर से दो निकाले। अब मैंने एक ही बार लपेटा इसमें और नेक्स्ट में हम एक ही बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल बनाएंगे, ट्रिपल नहीं बना रहे हैं हम, ट्रिपल क्रोशिया बना चुके हैं अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, ये देखो अब नेक्स्ट में बनाएंगे, अब उससे नेक्स्ट में बनाएंगे,
तो एक साइड हमारे 5 हो रहे थे, एक साइड हमारे 6 हो रहे थे, तो मैं यहीं पे दो बार बना देती हूँ। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 हो गए। और अब यहाँ हम पीछे पीछे जो है ना, ये देखो जो पीछे की साइड है ना, वी शेप जहाँ पे आ रही है, वहाँ मैं दोनों को जो हमने सिलाई कर रखी है ना, दोनों पीस में से निकालूंगी और एक डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। ये देखो यहाँ मैंने बना लिया, अब 8 उधर थे, 8 ही हम इधर बनाएंगे। तो ये देखो 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 हो गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉरी ये जो पांचवा जो है ना, यहाँ पे हमें ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाना था, 5 और 6। हाँ यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगी क्योंकि मैंने उधर बनाया था। अब देखो ये मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाया और यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया लेना है, तो उसके लिए 4 लूप बन लिए हैं। तो मैंने 2 निकाले, फिर से 2 निकाले, फिर से 2 निकाले। अब इसमें बनाएंगे नेक्स्ट में, लास्ट वाले में ये 2 लिए मैंने और एक ये निकाला, तो देखो 4 लूप हो गए। 4 में से 2 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे और फिर 2 को निकालेंगे, एक बार और बनाएंगे यहीं पे, क्योंकि उधर भी मैंने 3 बार बनाया है, एक 4 की चैन ली थी ना और 2 बार वो बनाए थे, तो उसको 4 की चैन को मिलाकर 3 हो गए। तो इधर भी मैंने 3 बार बना दिया। अब देखो छोटी सी तो ड्रेस है, तो छोटा सा ही कॉलर ये बनकर आया है हमारा। अब मैं क्या करूँगी, 1 2 2 मैं चैन लूँगी और यहीं पर एक बार और बनाऊँगी हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया से मैं इस राउंड को कम्प्लीट करूँगी। ये देखो अगर आपको बड़ा सा बनाना है ना फ्रंट कॉलर तो बनाएं, और ये जो है ना बड़ा ही लग रहा है ड्रेस के हिसाब से, तो चलिए मैं इसको ना यहीं पे रहने देती हूँ, एक ही राउंड बनाएंगे और इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, क्योंकि छोटे से ही होते हैं ना, एक नंबर के ठाकुर जी हमारे छोटे से ही होते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा वरना बनाएंगे तो। आप देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से हमारा कॉलर बन जाएगा, इसको हम एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन बना देती हूँ, जहाँ पर सिला है हमने इसको स्टिच किया है। तीन चैन बनाई और नेक्स्ट में इसको ऐसे कर देंगे, फिर से 1 2 3 3 चैन बनाई और नेक्स्ट में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ तो हमने सिलाई कर रखी है इनको, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, देखो 1 2 3, और यहाँ पे मैं एक स्किप करके और नेक्स्ट में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी, फिर से 3 चैन और सिंगल क्रोशिया से एक को स्किप करेंगे, यहाँ पे एक को स्किप करेंगे, देखो कलर मैंने थोड़ा वैसा ले लिया है और इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, तो एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, 1 2 3 नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें यहाँ तक राउंड को कर देना है कम्प्लीट, तो चलिए कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पोंचू जो है छोटा सा बनकर आया है, और यहाँ पे हमें फ्लावर वगैरह की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा सा है, और हमने इसके लिए यहाँ पे लेस भी बना दिया है, और यहाँ पे अगर आप स्टोन वगैरह कुछ लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। ये देखिए ये हमारा बैक से है, अगर इधर सेव करना चाहो तो ये भी डिज़ाइन बन जाएगा, और इधर सेव करना चाहो तो ये यहाँ पर कॉलर ओपन बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से जैसे हमने 15 चैन से ये हमने डबल करके पट्टी बनाई थी, इसी तरह से हमें 10 चैन लेनी है और एक और पट्टी ये बनानी है इस कलर में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे, वही लगाते ही है हमेशा, और यहाँ से मुझे 10 चैन लेनी है और पट्टी बना देनी है, तो चलिए मैं बना देती हूँ 10 चैन से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने 10 चैन ली और ऊपर से 2 चैन मैंने स्किप की, और फिर बाकी 8 में 2 चैन जब मैंने स्किप की तो यहाँ पे 8 चैन बच गई हमारे पास, और 8 मैंने डबल क्रोशिया बना दिए और एक ये हमारी 2 की चैन, तो टोटल मिलाकर हमारे पास 9 डबल क्रोशिया हो गए। देखो काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 1 तो ये चैन हो गई और एक ये हो गया, 2
ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखो करना क्या है, एक चैन मेरे पास पहले से थी, एक मैंने बना दी, 2 और 1 3, 3 चैन हो गई। यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो 3 है ना, 3 से मैंने 2 बना दिए, पर 2 से 1 नहीं बनाऊंगी, ये मैं इसी में रखूंगी, फिर एक और लेंगे। अब नेक्स्ट में जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं फिर 2 का 1 कर दूंगी, अब मेरे पास ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट में लूंगी फिर 2 से 1 करूंगी, 4 हो गए, और ऐसे ही सभी में मैं करूंगी, 5 हो गए, फिर से ऐसे करूंगी, 6 हो गए, फिर से 2 को ही निकाल रही हूँ बस, 7 हो गए मेरे पास यहाँ पे, और फिर से ऐसे करूँगी, 8 हो गए, और यहाँ पे फिर से मैं ऐसे करूँगी तो ये मेरे पास 9 हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, देखो ये मेरे पास 9 हो गए हैं, तो यहाँ तो मैंने बना दिया और लेकिन ये मैंने नहीं निकाले, तो मैं इन सब को एक ही बार में, यहाँ देखो एक ही बार में मैं यहाँ पर निकाल दूँगी, और ये देखो इस तरह से मैं इसको पक्का कर दूँगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको मैंने पक्का कर दिया। अब क्या करना है, ये जो है ना हमारे पास ये यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इनको स्टिच कर दूँगी इस तरह से, ये देखो। और एक और बात देखो, अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ, इसको मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी, जैसे ये मैंने किनारी बनाई है ना, तो यहाँ पे भी मैं इसमें किनारी बना दूंगी, तो ये हमारी कैप है और कैप में भी हमारी फिर किनारी जो है बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैं इसको जॉइंट कर देती हूँ, एक बार फिर से देख लेना किनारी कैसे बनाई है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो। ये देखो मैंने 3 चैन बनाई, और ये जो है ना एक डबल क्रोशिया यहाँ पे स्किप किया, और नेक्स्ट में मैंने इसको इस तरह से जॉइंट कर दिया, ठीक है ना, 1, 2, 3, और नेक्स्ट में 1 स्किप करके इस तरह से जॉइंट कर दिया ना, 1, 2, 3, 3 करके 1 स्किप किया, और यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया। जॉइंट कैसे किया है, मैंने सिंगल क्रोशिया से किया है, ठीक है, ऐसे 3 की चैन ली और लास्ट में फिर से यहाँ पे मैंने जॉइंट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी, तो ये मैं यहाँ से कट कर दूँगी, और अब यहाँ से भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी, ठीक है, तो ये कट कर देती हूँ, ये देखो ये मैंने कट कर दिया, और सुई का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, देखो सुई से मैं करना ही नहीं पड़ा है, मैंने सभी को यहाँ एक बार में निकाल दिया, और यहाँ पर इस तरह से दोनों को लेंगे ऐसे, और ऐसे कर देंगे स्लिप स्टिच, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे, यहाँ पे लेंगे स्लिप स्टिच कर देंगे, एंड लास्ट में भी एक यहाँ पे बना देंगे इनके बीच में, और यहाँ पे भी मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब बस इस तरह से नॉट लगा देंगे, और इसको भी मैं यहाँ पे कट कर दूँगी, ये देखो, तो ये मैंने कट कर दिया है। आप यहाँ से करना चाहो तो, नहीं यहाँ से तो नहीं होगा, इसको हम ना अंदर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखो ये हमारी कैप बन गई है, और ये एक नंबर लड्डू गोपाल को बिल्कुल फिट आएगी, बिल्कुल लूज़ नहीं आएगी, आप ना समझे कि ये लूज़ आएगी, ये बिल्कुल फिट आएगी, देखो ये मेरे आ रही है अंगूठे के अंदर। तो इस तरह से हमारी कैप भी बन गई है, और ये हमारा पोचू बन गया है, तो ये देखिए ये मैंने कैप बनाई और ये मैंने पोचू बनाया। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, कमेंट भी करना कैसी लगी है, और ना भी लिखो और कुछ ना लिखो तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखना। ये देखिए बहुत प्यारी हमारी ये ड्रेस बनी है, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है इसके साथ, ग्रीन कलर जो लगाया है बहुत प्यारा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो धन्यवाद।